आज नगर निगम परिसर में निर्माणाधीन परिषद भवन के सामने राम जानकी मंदिर में भाजपा के सांसद जनार्दन मिश्र, विधायक राजेंद्र शुक्ल, विधायक के पी त्रिपाठी, महापौर ममता गुप्ता सहित वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी सहित पार्षद एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थित में सुंदरकांड का पाठ किया गया। तत्पश्चात परिषद भवन में लगे ताले को भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मनीषा पाठक द्वारा छेनी हथौड़े से काटकर विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा उद्घाटन कराया गया। वहीं भाजपाइयों द्वारा बिना प्रशासनिक सूचना के उद्घाटन शिला पट्टिका रख दी गई, जबकि निर्माणाधीन भवन होने के कारण ठेकेदार द्वारा नगर निगम को यह भवन सौंपा नहीं गया था। प्रस्तुत एक झलक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं निगम आयुक्त सभाजीत यादव से जानकारी के अनुसार। जनप्रतिनिधियों का सम्मान में आज यहाँ पे सांसद हैं, विधायक हैं, महापौर हैं, नगर निगम के अध्यक्ष हैं और नगर निगम का आयुक्त और उनके अधिकारी, जो सामान्य शिष्टाचार होता है, जो लोकतंत्र में जिसका प्रावधान है, जब उसका पालन नहीं करेंगे तो इसी प्रकार से होगा। क्या बोल रहे, क्या कारण इस तरह का करना, अपमानित करना? जब मानसिक रूप से असंतुलित अधिकारी कुर्सी में बैठ जाते हैं तो इसी प्रकार की हरकत करते हैं, उनको फिर जनता ठीक करती है। उनका कहना था कि अधूरा है, अभी काम चल रहा है। एक हफ्ते पहले इसका उद्घाटन प्रदेश सरकार के मंत्री को बुला के करने की तैयारी, जब यह अधूरा था तो क्यों की गई थी? और उस कार्ड में हम लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा था कि मंत्री आ रहे हैं, परिषद कार्यालय का उद्घाटन है, आपको आना है, तो हम लोग तो एक हफ्ते बात कर रहे हैं। इसके पहले निर्दलीय पार्षद भी करके चली गई लोकार्पण। तो यही होगा, जब कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार में जब विकास के कामों के साथ भद्दा मजाक किया जाएगा तो फिर यही होगा। क्या मानते, जो पहले से लोकार्पण से भवन भर में थे भाजपा शासन काल में, कांग्रेस उनको लोकार्पण करके अपना नाम पट्टिका लगाना चाह रही है? जब आप सब जानते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? के बाद वो लंका कांड करते हैं। सर, ये नगर निगम परिसर के अंदर परिषद भवन बना था, उसका ताला तोड़ के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, महापौर, सांसद और कार्यकर्ताओं ने फीता काटा है, क्या सर मामला है, कैसी जानकारी, क्या भवन अधूरा था? देखिए, भवन अधूरा है और आज भी अधूरा ही है। कल शाम को 6 बजे हमारे अध्यक्ष जी का एक पत्र आया था, मैंने उनको उस तत्काल ही पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि ना तो इसका इलेक्ट्रिक का काम हुआ है, फर्नीचर का काम नहीं हुआ है और सिविल वर्क भी अभी पूरा नहीं हुआ है।
भवन अभी संविदाकारों के मतलब नियंत्रण में है। जब कार्य पूर्ण हो जाएगा और वो हमको सौंपेंगे, इसके बाद ही हम इस पर विचार करेंगे। तो ये स्थिति थी नहीं। सुबह उन्होंने मुझसे बताया कि हम लोग यहाँ पर मानस पाठ कुछ करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मानस पाठ आप कर रहे हो तो मुझे क्या आपत्ति है। फिर इसके बाद अभी अभी जो घटना हुई है ये आप लोग बता रहे हैं, तो इस पर अब जो विधि सम्मत कार्यवाही होगी वो कार्यवाही की जाएगी। विधायक राजेंद्र शुक्ला कहना था कि जो वर्तमान कमिश्नर साहब हैं वो जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते, जिसके कारण लोगों को मजबूर होकर इस तरह से ताला तोड़ के और ये लोकार्पण भूमि पूजन करना पड़ रहा। अगर इस तरीके से सम्मान प्राप्त होता है तो मुझे इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। वो निश्चित रूप से मैं उसे सम्मान तो सभी का करता हूँ, मैं सम्मान आम आदमी का भी करता हूँ और जनप्रतिनिधि का तो सम्मान न करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिलहाल उनकी अपनी क्रिया है, उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया जरूर नहीं।